मुझे इस बात को कहते लगता है, दुख भी होता है कि कल विपक्ष के लोग बोले थे हाउस के अंदर इसको भंग कर दो। मुझे अफसोस होता है कि आप इतने राजनीति में मंत्री रहे हों या नहीं रहे हों, जो भी है, नेता लोग ऐसी बातें बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आदमी को कि ये संविधान के अंतर्गत बॉडी बनी हुई है, कोई भंग कर नहीं सकता इसके अंदर। ये तो नॉलेज होनी चाहिए ना आदमी को। वो ऐसे सवाल उठाते हैं, उनका क्या जवाब दें बताओ। हाँ, ये बात है, हम चाहते हैं कि जैसे कानून कल पास किया हम लोगों ने, ये जो उनको सजा बढ़ाने का आजीवन कारावास का, कोई तो मामूली बात तो नहीं है। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ ये कानून बना मेरे ख्याल से संपर्क है। तो हम हर कदम उठा रहे हैं जिससे कि पेपर लीक बीमारी नहीं हो। अब क्या होता है, जो काम हम कर रहे हैं, करीब 3 लाख से अधिक नौकरी हम दे रहे हैं, वो बात तो पीछे चली जाती है बच्चों को गुमराह करने के लिए। इनके पास है क्या सामान? इनके पास कुछ सामान है ही नहीं बीजेपी के पास में। सिर्फ गाली गलौज करो, झूठे आरोप लगाओ, इसके अलावा कोई नहीं है। इतनी ऐसी बातें लेके आते हैं। इनको पूछो भाई, आपने क्यों नहीं किया आज तक बात? आपके वक्त में पेपर लीक हुए थे, हमने पेपर लीक हुए तो हमने पेपर को कैंसिल किया हिम्मत करके, चाहे नाराज भी हुए होंगे लोग। वो क्या करते थे, पेपर लीक हो गया है छिपाते थे और नौकरी दे देते थे लोगों को। उनके वक्त में एक दो बार कैंसिल हुए होंगे उनके, किस राज्य में? हाईकोर्ट ने कहा तब किया, इन्होंने तो हाईकोर्ट ने कहा तब। हाँ, हाईकोर्ट ने कहा तब उन्होंने कैंसिल किया था, हमने बगैर कहे हुए किया है। गुजरात, यूपी, कौन सा राज्य ऐसा देश के अंदर, आर्मी के अंदर, जुडिशरी के अंदर पेपर आउट हो रहे? हमने यहाँ कम से कम 200 लोगों को पकड़ा है, जेलों में भेजा है। यहाँ पर जितना कड़ी कार्रवाई हमने करी है, किसी राज्य ने नहीं करी है। कल हमने आजीवन कारावास की बात कर ली। हम पूरा वो काम करेंगे जिससे कि क्रेडिबिलिटी जमी रहे। ये हम जानते हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं, हमने उनके लिए सब कुछ जान लगा दी, बसें फ्री कर दी उन लोगों के लिए, प्राइवेट बसों के लिए हमने किराए करी, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा, हमने रहने की व्यवस्था करवाई। हमने कलेक्टर क्या करके भाई, 26 लाख बच्चे ज़्यादा हैं, ध्यान रखो इनका। अब पेपर लीक हो गया तो बात तो छिप गई और फिर वो चल जाते।